को ना जाने बिल्डर से कब तक अपने घर का पोजीशन मिल पाएगा और अपने सवालों का जवाब मिल पाएगा, लेकिन उनके कुछ सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अरुणवीर सिंह जी, सीईओ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। सर सबसे पहला मुद्दा ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंडर और यमुना एक्सप्रेसवे के लैंड के आसपास कितने बिल्डर हैं जो इसमें पे डिफॉल्ट ही चल रहे हैं और कितने कुछ बिल्डर जो ड्यूज अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं। हमारे यहाँ पर 20,000 13 उसमें भी उन्होंने जेपी को 15% का टाइम दिया गया है और बाकी पूरी तरह देखा है तो 31 अगस्त 2017 तक तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि अभी अभी यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी ने जेपी के 5 प्लान्स कैंसिल किए हैं, साइट प्लान्स कैंसिल किए हैं, क्या वजह रही उन्हें कैंसिल करने की, सर पूरा मुद्दा क्या है सर? वो एक्चुअली साइट प्लान तो उनके स्वीकृत है, बिल्डिंग प्लान कैंसिल हुए हैं। और बिल्डिंग प्लान नॉर्मली जो कैंसिल होते हैं उनके पीछे कारण होता है कि जो भी बिल्डिंग प्लान सबमिट किया जाता है बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए उसमें FAR क्या है, उसमें ग्राउंड कवरेज जो अनुमन्य है वही उपयोग में लाया गया है, इसके अलावा जो सीवर और ड्रेन की लाइन प्रॉपर खींची गई कि नहीं, जो स्पेसेस होने चाहिए ओपन स्पेसेस वो पूरे हैं कि नहीं, ग्रीन बेल्ट पूरी दिखाई कि नहीं, ग्राउंड कवरेज के साथ साथ जो और भी वहाँ पर लैंडस्केपिंग करनी है वो दिखाया गया कि नहीं, तो जो भी मानक हैं बिल्डिंग बायलाज के उन मानकों के अनुरूप तथा जो उनको अनुमन्य सीमा है उसके अनुरूप ही बिल्डिंग प्लान रखा गया कि नहीं। नॉर्मली जब भी बिल्डिंग प्लान आता है तो इसमें बहुत सारी कमियां रह जाती है, जैसे फायर के NOC नहीं होता है और विभागों के NOC नहीं होते हैं, तो उस दशा में इनको वापस किया जाता है। इनमें जेपी के इन 5 प्रकरणों में इनको 2014 में वापस कर दिया गया था कि आपत्तियों का निराकरण करके उसको हमारे सामने दोबारा प्रस्तुत करें, तो उन्होंने आपत्तियों का निराकरण जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है 60-90 उसमें नहीं किया और वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। ये संज्ञान में हमारे इसलिए आया क्योंकि कुछ लोगों ने RTI के जरिए मेरे पास आए, उन्होंने ये जानना चाहा कि उन लोगों ने बुकिंग कराई हुई है जेपी में, उनके उसके प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है, और लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ मौके पर ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ पर पेड़ लगे हैं तथा वहाँ किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। क्योंकि निर्माण नहीं था इसलिए हम लोगों को भी संज्ञान में नहीं आया कि वहाँ कोई प्रोजेक्ट उन्होंने आगे बेच रखा है, तो हमने फिर अपने बिल्डिंग सेल से मंगवाया, सारी डिटेल्स मंगवाई और ये पाया कि बिल्डिंग प्लान पर जो आपत्तियाँ मांगी गई थी अभी तक लंबित हो नहीं आई है, तो स्वाभाविक रूप से मैंने उनसे बिल्डिंग प्लान को निरस्त कर दिया और साथ ही साथ एक कैप लगा दिया कि अब जब भी बिल्डिंग प्लान स्वीकृत कराने कोई भी आएगा, चाहे जेपी हो तथा अन्य सभी बिल्डर्स, अन्य बिल्डर्स के भी हमने 12 इसी तरह के प्लान कैंसिल कर दिए क्योंकि उनके प्लान भी अभी तक पास नहीं हुए थे और आपत्तियों में पड़े हुए थे। और हमने एक नया इसमें एक मॉड्यूल डेवलप किया और ये हमने कहा कि अब आने वाले समय में जब भी बिल्डिंग प्लान पास कराने आएंगे तो इस बात का एफिडेविट देंगे कि आगे उन्होंने अपनी कितनी योजनाएँ बेच रखी हैं, कितने इन्वेस्टर्स को दिया उसके उसकी सूची देंगे, स्कीम का ब्रोशर देंगे, कब तक कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट उन्होंने पूरा किया नहीं पूरा किया, उसमें पैनल क्लास क्या है, और केवल हम उतनी ही परियोजना को अप्रूव करेंगे जो उन्होंने आगे बेच रखा है। तो एक ही प्रोजेक्ट की मान लीजिए उसका साइज 100 हेक्टेयर है और उन्होंने 25 हेक्टेयर बेच रखा है तो केवल 25 हेक्टेयर का हम फेज वाइज प्लान अप्रूव करेंगे। बिल्डर को ये ऑप्शन है बिल्डिंग बायलाज में कि वो कंप्लीशन फेज वाइज ले सकता है, तो फिर अथॉरिटी को भी अधिकार है कि वो फेज वाइज बिल्डिंग प्लान पास कर सकता है। कभी पूरे देश में किसी ने किया नहीं कि फेज वाइज बिल्डिंग प्लान पास करना, लेकिन इसको मैंने यहाँ लागू किया है। तो जब एक प्रोजेक्ट को बिल्डिंग प्लान हम पास करेंगे जो आगे वो बेच चुके हैं और उस प्रोजेक्ट को 1 साल की समय सीमा में पूरा करके हमको देंगे, उसका कंप्लीशन लेंगे, तभी आगे के लिए उनको बेचने की अनुमति दी जाएगी, उनका बिल्डिंग प्लान आगे का तभी पास हो पाएगा। तो एक ये रिस्ट्रिक्शन बहुत बड़ा होगा और साथ ही साथ मैंने इसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी भी गठित कर दी है, तो 4 अधिकारी हैं जो कि डिफरेंट हमारे, एक प्रशासनिक अधिकारी है, एक प्रोजेक्ट के हैं, एक प्लानिंग के हैं और एक पुलिस का अधिकारी है, जो जाके हर 15 दिन पे देखेंगे कि जो बिल्डिंग प्लान पास हुआ उसके अनुरूप वहाँ निर्माण कार्य हो भी रहा या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उसमें जो भी पैनल क्लास है वो हम लगाएंगे। बेसिकली जो रेगुलेटरी फंक्शन है अथॉरिटी का वो है लेआउट प्लान पास करना, बिल्डिंग प्लान पास करना, जब बिल्डिंग प्लान पास होने के बाद निर्माण हो रहा है उसको लगातार देखना, उस पर पेनाल्टी अगर कहीं हो रही है तो पेनाल्टी लगाना, उस पर कंपाउंडिंग करना अगर कोई कंपाउंडिंग ऑफेंस है तो, और फिर कंप्लीशन देना। तो इसको पूरी तरह से लागू करने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का भी गठन किया गया।
तो सर ये बात हो गई कि आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, कि अगर जेपी आज से आगे कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता है तो उसके ऊपर यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी कैसे काम करेगी। पर सर जेपी के कई और प्रोजेक्ट्स जैसे बुद्धा सर्किट हैं, कासा आइल्स हैं, जो कि 2010 से शुरू हैं पर अभी तक पूरे नहीं हो पाए, उनके लिए, उन ग्राहकों के लिए अथॉरिटी क्या टेक ले रही है? क्योंकि वहाँ पर भी निर्माण कार्य एक तरीके से पूर्ण रूप से ठप पड़ा है, काम नहीं चल रहा है, बंद पड़ा है, बिल्डर कहता है कि पैसा नहीं है। मैंने बताया कि बिल्डिंग प्लान रद्द किए गए सारे प्रोजेक्ट के किए गए हैं, उसमें कासा का भी है, 25 भी है, सेक्टर 22 ए भी है, 22 बी भी है, सभी इस प्रकार के जो प्लान उन्होंने प्रस्तुत किए थे सभी रिजेक्ट किए गए हैं और नए प्लान लेके आएंगे। तो जो पुराना उन्होंने अलाट किया है, आगे बेचा है, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जी, कि उस योजना को पहले एक साल में पूरा करके देंगे, उसके बाद ही आगे बेचने की उनको अनुमति मिलेगी जी। मतलब जब तक अब जेपी अपने पुराने प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं करेगा तब तक आगे का कुछ नहीं करेगा जी। सर कई खबरें ऐसी भी आई हैं कि जेपी ग्रुप को एक्सप्रेसवे से, जो उन्होंने बिल्ड किया था दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे, उससे कुछ मुनाफा करके पैसा देके उन्होंने कुछ कर्ज उठाया है 1800 करोड़ का। नहीं, ये तो 1800 करोड़ का कर्ज का तो जो मेरे पास जेपी ने सबमिट किया है, चूंकि इनको काफी उनके ड्यूज बाकी थे जी, उसके अनुसार तो उन्होंने अल्ट्राटेक को कोई अपनी सीमेंट फैक्ट्रियां यूनिट्स बेचे हैं, उसमें 1800 करोड़ रुपए का है। हो सकता है कि उनके और भी, उनके पास LFT है 5, एक LFT नोएडा में है, 2 LFT ग्रेटर इसमें गौतम बुद्ध नगर में है, और एक अलीगढ़ में और एक आगरा में है, तो किसी LFT को उन्होंने मॉर्गेज करके लोन उठा रहे होंगे। तो ठीक है, वो एक तरीका है, क्योंकि पैसा लेके अल्टीमेटली तो बायर्स का कमिटमेंट पूरा करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने अगर डिले किया है तो उसके लिए जो भी पेनल्टी क्लास है उसको भी बायर्स को दें और समय से प्रोजेक्ट करके पूरा दें, क्योंकि निवेशकों का विश्वास डिग रहा है और प्राधिकरण इसमें मतलब मौन रख नहीं रह सकता। प्राधिकरण के जो अपने रेगुलेटरी फंक्शन उसको प्राधिकरण करेगा ही करेगा जी। सर उन लोगों को अथॉरिटी क्या आश्वासन देना चाहेंगी जो आप लोगों की तरफ उम्मीद लगाकर बैठे हैं बिल्डर से हारने के बाद पूर्ण रूप से? नहीं, 100% उनकी मदद की जाएगी। इनकेस अगर बिल्डर नहीं बना के करता और ऐसी स्थिति आती है कि उनका लीज ही कैंसिल हो जाती है, तो उस दशा में भी अगर लैंड हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेट राइट लैंड का हमारे पास है, यहाँ पर इन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में फ्री होल्ड के राइट्स नहीं है, लीज राइट्स है, और लीज राइट में ओनरशिप हमेशा प्राधिकरण के पास और गवर्नमेंट के पास ही रहता है। तो अगर इन केस कोई चीज़ लीज कैंसिल हो जाती है, तो उस दशा में हम जो जिन लोगों ने पैसा लगा रखा और जिस प्रोजेक्ट में जहाँ रखा है लगा रखा है उसको वहीं पर उनको समायोजित करते हुए हम प्राधिकरण के तरफ से उनको इंश्योर करेंगे कि उनको जमीन नहीं मिल जाए, वो हमारे अलाटी हो जाएंगे और किसी भी तरह से किसी भी निवेशक का नुकसान नहीं होगा और किसी भी निवेशक को डरने की जरूरत नहीं। तो सर लोग कब तक कयास लगाएं, लोगों को बुकिंग करे हुए 7 से 8 साल हो चुके, कब तक उम्मीद लगाएं कि अथॉरिटी कुछ सख्त रवैया अपनाएगी और उन्हें इस साल तक या इस अंत तक कुछ ना कुछ कार्रवाई देखने को मिले? तो कुछ नहीं हो सकता था कि बिल्डिंग प्लान कैंसिल हो गया, लीज डेट कैंसिलेशन के नोटिस हो गए, तो जितने भी उपाय हो सकते थे सब हो गए। अब जैसे बिल्डिंग प्लान अगले 30 दिनों में लाएंगे, उसके बाद से 1 साल के अंदर उनको बना करके देना ही पड़ेगा, तो बहुत जल्दी ही उनके मौके पर निर्माण कार्य सभी प्रोजेक्ट में शुरू हो जाएगा।